पर खेला होई के होल्डिंग भी लग रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ गौरव। तो गौरव, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से ये होल्डिंग लगवाए जा रहे हैं और लगातार पुलिस भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन होल्डिंग्स को कौन लगा रहा है, तो क्या अभी इसका कुछ पता चल पाया है? देखिए भैया, जैसा कि बता दें, जनता के मुद्दों पर ध्यान दिया जाए चाहे न दिया जाए, लेकिन अब सियासत का जागरूकता अभियान तेज होता हुआ नजर आ रहा है। कानपुर की बात करें, इससे पहले खेला होई नारे लगाए गए थे, अब ये चंदा चोरों से सावधान के नारे कानपुर के अंदर बड़ी बड़ी होल्डिंगें कल शाम को देर रात को लगाई गई। ये होल्डिंगें शहर के तमाम चौराहों पर लगाई गई। उनके बाद हालांकि किसी पार्टी का इसमें जिक्र नहीं किया गया है किस पार्टी की ओर से या किसकी ओर से ये सारी होल्डिंगें कानपुर के अंदर लगवाई गई है, लेकिन ये तो तय है कि सियासत का जो टेम्परेचर है अब वो लगातार यूपी के अंदर होल्डिंग पोस्टर वार के जरिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखते जिस तरीके से ये चंदा चोरों से सावधान, इसमें कहीं ना कहीं जो सरकार को है उस तरीके के घेरने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इस मामले में जब पुलिस को रातों रात भनक लगी कि इस तरीके की शहर में तमाम जगह होल्डिंग लगवाई गई है, तो पुलिस ने आनंद फानंद में वहां पर पहुंचकर पोस्टरों को उतरवाया, होल्डिंगों को उतरवाया। उसके बाद पुलिस अब साफ तौर से किसके तरफ से ये सब होल्डिंगें लगवाई गई हैं उनकी जांच में, घटना की जांच में जुट गई है। किस तरीके से शहर में इस तरीके की होल्डिंग को लगा करके सियासत को तेज करने का प्रयास किया जा रहा है। जी गौरव, क्या लगता है जिस तरह से चंदा चोरों से सावधान रहे ये होल्डिंग्स लगाई जा रही है, क्या लगता है क्या इसके पीछे का मकसद है? देखिए, इतना तो तय है कि अब यूपी के अंदर सियासत का जो टेम्परेचर है वो लगातार दिन पर दिन जब चुनाव आते आते और भी तेजी से पोस्टर वार के जरिए बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये बात अब तय हो चुकी है जिस तरीके से पोस्टर के जरिए सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। ये सरकार को एक तरीके से पहले खेला होई के नारे के जरिए घेरा गया है, अब चंदा चोरों से सावधान, इस तरीके के नारे से एक तरीके से सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि विपक्षी दलों का स्टंट हो सकता है, चुनावी स्टंट हो सकता है। इस तरीके के कयास सरगर्मियां जो है यूपी के अंदर अब तेज हो गई है। कानपुर के अंदर भी इस तरीके की सियासत जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। जी तमाम साथ जुड़ने के लिए वही रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बुलंदशहर के सदर तहसील में दलाल ने फरियादी की जमकर पिटाई की। दलाल द्वारा की गई इस पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पैसों को लेकर यह विवाद हुआ, इसी वजह से परिसर में दलाल ने फरियादी की जमकर पिटाई की और पिटाई के दौरान सुरक्षाकर्मी सहित कई लोग तमाशबीन बने खड़े रहे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता शिवांग। तो शिवांग, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला है बुलंदशहर सदर तहसील का है, जहां पर एक वकील द्वारा एक युवक को बड़ी बेरहमी से पीटा जा रहा है। बताया जा रहा है कि तहसील परिसर में एक फरियादी आया था, जिसके बाद फरियादी जो है वो वकील फरियादी और वकील में दलाली के कुछ पैसों को लेकर झगड़ा हो गया। देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक जो कपिल अहमद नाम का जो व्यक्ति है, जो वकील है, उसने युवक पर लोहे के पाइप से हमला कर दिया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि बराबर में खड़े सुरक्षाकर्मी और भीड़ में से कोई भी बचाने के लिए नहीं आया, सबके सब दर्शक बड़े खड़े रहे, तमाशा देखते रहे। वीडियो में कुछ लोग ये कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि ये जो वकील है इनके आए दिन ऐसे झगड़े होते रहते हैं। लेकिन अब पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है, जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। बिल्कुल शिवान, क्योंकि लगातार पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, तो क्या अभी तक पुलिस के द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई की गई है? जी, अभी तक कोई पुलिस के द्वारा सामने की कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है और लगातार पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है। जांच के आधार पर जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। जी बहुत बहुत शिवांग, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां पर सदर तहसील में दलाल ने फरियादी की जमकर पिटाई की और दलाल द्वारा की गई इस पिटाई का वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पैसों को लेकर यह विवाद हुआ था और इसी वजह से परिसर में दलाल ने फरियादी की जमकर पिटाई कर दी और पिटाई के दौरान सुरक्षाकर्मी सहित कई लोग तमाशबीन बनकर खड़े रहे। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आगरा के थाना शाहगंज में अवैध निर्माण के मामले में सपा नेता के खिलाफ
कार्रवाई की गई। करीब 70 वर्ग मीटर पर अवैध निर्माण कराया जा रहा था और पूर्व में अपर नगर मजिस्ट्रेट के दौरे पर निर्माण पर रोक लगाई गई थी और इस मामले में अब सपा नेता पर मुकदमा दर्ज हुआ है। सपा नेता के इशारे पर ही जमीन पर अवैध निर्माण कराया जा रहा है। अब सपा नेता वलीशेर के खिलाफ एक्शन लिया गया है। खबर बुलंदशहर से, जहां गांव दशहरा में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक बच्चे सहित दो लोगों की मौत हो गई। इन मौतों से परिजनों में काफी कोहराम मचा हुआ है। वहीं इस घटना पर ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बिजली विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में काफी रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग को सूचना दी गई लेकिन वो मौके पर नहीं पहुंची। वहीं जौनपुर के गौरादाशहरपुर में थाना क्षेत्र में अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है। शव बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया। रेलवे ट्रैक के पास ये शव बरामद हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। उसी के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजपुर गाँव में यादवेंद्र नगर रेलवे स्टेशन के पास की ये घटना है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली में एक युवक ने अपने तेजाब डालकर अपने चाचा को जिंदा जलाने की कोशिश की। इसके बाद गंभीर हालत में इलाज के लिए चाचा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने फौरन कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपी के साथ उसके साथियों को भी लगातार पुलिस तलाश में जा रही। क्या हुआ? ये कहा ऐसा ना करो, तो कहना अच्छा अभी तुम्हें बता रहे हैं। फिर ताला डाले चल दिया मोहरे पर, कहना आज हम सबका बजाई थी। बताते बताते दरवाजा हल्का से खोले, उमे ये नहीं मालूम रहा पेट्रोल तेजाब रखा और बस कैसे डाले उसके पर। कितने लोग थे ये लोग? ये चार लोग रहे। और ये लड़के का नाम क्या? आगे अंदर से ने जला। लड़के का नाम क्या है? वो अभिषेक है, रितेश है, सुनील है। वहीं दाजनगरी आगरा में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। थाना बाह क्षेत्र के गांव खटीक टुला में अज्ञात चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दिया। अज्ञात चोरों ने पहले घर में सो रही महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया और उसके बाद चोरों ने घर में रखे संदूक से सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी पीतल के बर्तन को गायब कर दिया। वहीं पूरी घटना की सूचना पर पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। वहीं सूचना के बाद पहुंची पुलिस लगातार मामले की जाँच में जुटी हुई है। रात के हम 10 बजे सोए, सोने के बाद जिटी कू की बाउंड्री गई, तब मैं कोई पिलर बाइक चढ़ के हमें कुछ सुंगा दो। सुंगाए के बाद हमें होश में रहो 10 बजे के बाद मेरी पूरी चीज और पैसा 5,000 रुपये थोड़े अलवारी में भरे, दे रहे थे 50,000 रुपये मेरे बच्चा में भरे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। एक बस में पीछे से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी और इस टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। सूचना पर पहुंची यूपीडा की टीम और थाना पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी में फंसे चालक और परिचालक को बाहर निकाला। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर आगरा से लखनऊ की ओर जाते समय जयपुर से दरभंगा की ओर जा रही बस नंबर RJ09PA4239 ये जा रही थी एक्सप्रेसवे पर। आगरा से लखनऊ की ओर जाने के लिए 70 किलोमीटर पर ये खड़ी हो गई और इसके ड्राइवर और परिचालक और कुछ लोगों के द्वारा उतरकर उसके टायर वगैरह चेक किए जाने लगे। इसी बीच में आगरा की तरफ से एक DCM जिसका नंबर है UP16GT1203 पीछे से आई और खड़ी हुई बस में जो नीचे उतर रहे थे उनसे जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें कुल 5। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देशभर की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।